Hey, hello, Cash family. You are watching KitKTS, and this is the Cash. Friends, मैंने habits से related कई videos बनाई हैं, जिसमें मैंने कहा भी था कि habits हमारे life में एक बहुत ही important role play करता है, और वो habits ही होते हैं जो हमारे life में हमें successful बनाते हैं या तो failure बनाते हैं। किसी भी habit को बनाने के लिए या किसी भी बुरे habits को छोड़ने के लिए mini habits आपकी बहुत मदद करता है। तो mini habits क्या है? इसे कैसे use करते हैं? इससे आपको क्या benefit होगा? इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा। सो हो सकता है कि आपको मिनी हैबिट्स के बारे में पहले से पता हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सो भाई और बहनों, बिना टाइम वेस्ट किए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यार, मेरी इस बात से तो आप सभी जरूर एग्री करोगे कि जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो अपने काम पे सुपर स्पेशलिस्ट होता है, या फिर हम कोई मूवी देखते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो हम फुल्ली मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मैंने ऑसम पीपल नाम की एक वीडियो देखी थी, जिसे देख के मैं फुल्ली मोटिवेट हो गया था, और मेरे माइंड में भी आने लगा कि मुझको भी ऐसा करना है, जिसके कारण मैंने कई स्टंट करने का ट्राई किया, जैसे फ्लिप जंप या बैक जंप, लेकिन मैं इसे ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाया। और इसका एक रीज़न ये है कि किसी भी काम को करने के लिए या कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए हमें मोटिवेशन से ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है। और यही सेम बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो पर भी कही थी कि अगर आप में विल पावर है किसी भी काम को करने के लिए, तो मोटिवेशन आपके अंदर से निकलेगा, जो टेम्प्रेरी नहीं परमानेंट होगा। सो मोटिवेशन और विल पावर के बारे में कभी और बात करेंगे। अब आते हैं आज के टॉपिक मिनी हैबिट्स पे। मिनी हैबिट को मैंने 4 स्टेप पे डिवाइड किया है। मिनी हैबिट वो सिंपल स्टेप है जिनका यूज करके आप इजिली कोई भी नई हैबिट बना सकते हो। इसे करने के लिए आपको मुश्किल से 1 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड का टाइम लगेगा, और ना ही इसके लिए आपको कोई ज़्यादा विल पावर की जरूरत होगी। स्टेप नंबर 1, डू ए लिटिल बाइट। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मोटिवेशन के लिए बाहरी सोर्स ढूंढते हैं, और किसी दूसरे इंसान को कुछ करते हुए देख के हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आपका फ्रेंड आपको बताता है कि वो मॉर्निंग में 5 AM उठ जाता है, तो उसकी ये बात सुन के आप भी डिसाइड करते हो कि आप भी मॉर्निंग 5 o'clock उठ जाओगे, लेकिन आपको देर से उठने की बुरी आदत है, लेकिन आप किसी तरह अगले दिन 5 बजे उठ जाते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन ऐसा कर सको, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है। आपने कोई एक्शन मूवी देखी जिसमें जो हीरो होता है वो 100 पुशअप करता है, और इसे देख के आप भी ट्राई करते हो। 100 तो नहीं, बट आप मर मर के 10 पुशअप कर भी लेते हो। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप दूसरी बार कभी ट्राई ही नहीं करोगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और विल पावर की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप पहले दिन 1 पुशअप करोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप आराम से कर लोगे। सो मिनी हैबिट्स का पहला स्टेप है डू ए लिटिल बिट। जो भी हैबिट आप बनाने वाले हो उसके इतने छोटे गोल्स बनाओ जिसे आप आसानी से पूरे कर सको, और ना ही इसे करने के लिए आपको किसी भी विल पावर की ज़रूरत हो। अगर आप चाहते हो कि आप हर दिन 2 घंटे पढ़ो, तो इसके लिए आपको गोल बनाना चाहिए हर दिन 5 मिनट पढ़ने का, क्योंकि अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसके बाद आता है स्टेप 2, जो है ग्रेजुअली इंक्रीज। अब माना कि आपने 1 पुशअप कर लिया, लेकिन आपके 1 पुशअप करने से आपकी मसल तो नहीं बढ़ जाएगी, तो आपको इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 15 और 20, और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। लेकिन इसके भी कई स्टेप हैं। अगर आप कोशिश करोगे 1 पुशअप करने के बाद आप 5 पुशअप करने की, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करो। स्टेप नंबर 3, डिज़ायर टू बी मोर। ये मेरा फेवरेट स्टेप है, और ये स्टेप नंबर 3 ही है जो मिनी हैबिट्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सोचिए आप एक हैबिट बना रहे हो हर दिन 5 पेज बुक पढ़ने की, लेकिन आपने स्टार्ट किया है 2 लाइन हर दिन पढ़ने से, और आपने ये 2 लाइन पढ़ लिया, क्योंकि ये बहुत इजी काम है और इसको करने के लिए मुश्किल से आपको 10 सेकंड का टाइम लगे, तो आपको और इच्छा होगी आगे पढ़ने की, तो यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है। उसी तरह 1 पुशअप करने के बाद आपको और भी करने का मन करेगा, क्योंकि 1 पुशअप करना बहुत ईजी है। आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, आप 1 पुशअप तो कर ही सकते हो। उसी तरह जो भी हैबिट आप बना रहे हो उसे एक ऐसा एंड दो जिससे अगले दिन आपको शुरुआत करने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। सोचिए आप एक बुक पढ़ रहे हो और आपने उसकी 2 लाइन पढ़ ली, बुक मज़ेदार है, आपको और भी ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसे पढ़ोगे तो आप उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे। उसी तरह पुशअप के लिए भी, जब आप 1 पुशअप करोगे तो आप दूसरे दिन बहुत मोटिवेट होगे, या जब भी आप नेक्स्ट टाइम करोगे आप बहुत मोटिवेट होगे, जो आप में कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ आपकी विल पावर को भी बढ़ाएगा। और उस हैबिट को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, मतलब आपका इंटरेस्ट, स्टेप नंबर 3 उसे कंप्लीट करेगा।
अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपने इस स्टेप को फॉलो नहीं किया तो अगर आप बाकी के 3 स्टेप फॉलो कर रहे हो तब भी मिनी हैबिट्स काम नहीं करेगी। स्टेप नंबर 4 है कंटिन्यू प्रोसेस। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको अपने हैबिट के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे रेगुलर नहीं करोगे तो आपके माइंड में ऐसे थॉट आ जाएंगे कि यार ये सब बेकार है, इससे होने वाला कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और भी बहुत से नेगेटिव थॉट्स जो आपकी मोटिवेशन और विल पावर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे। सो फ्रेंड, ये थे मिनी हैबिट्स के 4 स्टेप जिनका यूज़ करके आप किसी भी हैबिट्स को बना सकते हो या अपने बुरी हैबिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। सो फ्रेंड, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने एक बहुत ही अच्छा लेसन सीखा है जिसे शेयर करने में आपको प्राउड फील होना चाहिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे अपने विचार बताओ, और प्लीज़ 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 इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से ये वीडियो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच जाए जिसे इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए भारत माता के जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।